हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखेंद्र पटेल, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटल सुखेंद्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स पर आधारित, खासकर एमपीपीएससी और व्यापम में पुराने साल के प्रश्न पत्र को देखते हुए और आगे आने वाली संभावित क्वेश्चन को देखते हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार से संबंधित प्रथम चित्रकार का नाम विष्णु दिनकर चिंचालकर जी का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, और विष्णु दिनकर चिंचालकर जी के संबंध में पुराने साल के एमपीपीएससी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिनमें से पूछा गया कि विष्णु दिनकर चिंचालकर का संबंध किस क्षेत्र से, तो हमको बताना है चित्रकार से है। विष्णु दिनकर चिंचालकर मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार में से एक हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि इनका जिला पूछा जाता है, तो विष्णु दिनकर चिंचालकर जी का जन्म आलोट गांव में, जो कि एक देवास में है, आलोट गांव एक गांव है देवास गांव में, वहां स्थित है, और वहीं इनका जन्म हुआ। तो इनका संबंध भी मध्य प्रदेश के देवास जिले से होगा। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है विष्णु दिनकर चिंचालकर जी का संबंध किस जिले से है, देवास से है, और किस क्षेत्र से, चित्रकारी से है। यह हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अब इसके अलावा संभावित अगर हम बात करें जो व्यापम के नए ट्रेंड हैं उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो जो नए प्रश्न बन सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो एक अक्षर ज्ञान की एक विधि है, उस विधि का नाम चाक्षुष या दृश्य विधि भी बोला जाता है। तो बच्चों के प्रारंभिक यानी प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित एक विधि का आविष्कार किया, उस विधि का नाम चाक्षुष या दृश्य विधि है, यह हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ध्यान देने योग्य बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके द्वारा एक चित्रकारी की गई जिसका नाम था लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट विश्व प्रसिद्ध हुई है, इन्हीं के इसी चित्रकारी के माध्यम से इनकी काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। तो यह हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट किसकी चित्रकारी है, विष्णु दिनकर चिंचालकर जी की चित्रकारी है। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, कुछ अलग से हम लोग समझ लेते हैं कि इनके द्वारा कलाकारों का एक ग्रुप बनाया गया, और उस ग्रुप का नाम था गुड फ्राइडे, 1950 में बनाया था। थोड़ा ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, 1950 में गुड फ्राइडे नाम से एक कलाकारों का ग्रुप बनाया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगकर्मी भी शामिल थे। तो गुड फ्राइडे नाम से कलाकारों का समूह किसके द्वारा बनाया गया, विष्णु दिनकर चिंचालकर जी के द्वारा, जिनका संबंध मध्य प्रदेश किस जिले से है, देवास से है, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुका है 1984 में, 2000 में इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, यह हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों में सबसे पहले हमने विष्णु दिनकर चिंचालकर जी का नाम रखा ध्यान, खास बात यहाँ पे ध्यान रखना है इनका क्षेत्र से लेकर के, तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डीडी देवलालिकर, और डीडी देवलालिकर जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार में से एक हैं। डीडी देवलालिकर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें दत्तू भैया के नाम से भी जाना जाता है, तो दत्तू इनका उपनाम है, तो दत्तू भैया के नाम से भी इनको जानते हैं डीडी देवलालिकर जी को। और इनका अगर पूरे नाम की बात करेंगे कि फुल नेम क्या है, तो दत्तात्रेय देवलालिकर, दत्तात्रेय देवलालिकर के नाम से डीडी देवलालिकर जी प्रसिद्ध हैं। अब पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी एग्ज़ाम में कि डीडी देवलालिकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो डीडी देवलालिकर जी का संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। और अगर व्यापम वगैरह में एग्ज़ाम में कभी गांव पूछ देता है तो हम लोग को ध्यान रखना है बिडवाल गांव है, यह बोला जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है ये चीज़, मध्य प्रदेश चित्रकला का पितृपुरुष किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश चित्रकला का पितृपुरुष किसको कहा जाता है, डीडी देवलालिकर जी को कहा जाता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। खास बात और भी देखने वाली है, इनकी चित्रकारी की एक प्रमुख शैली रही है और इसको बोला गया है डेकोरियम लिस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीडी देवलालिकर जी की जो विशेष शैली रही है उसका नाम है डेकोरियम लिस्टिंग, यह हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखते हैं थोड़ा सा और जानकारी, हालांकि यहाँ से इससे ज़्यादा अगर देखेंगे तो हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी हम समझ सकते हैं कि इनकी मृत्यु 1978 में दिल्ली में हो गई थी। अब ये बातें हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, यह है कि
देवलालिकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ है? तो देवलालिकर फाइन आर्ट्स कॉलेज हमको बताना है इंदौर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यापम की दृष्टि से ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देवलालिकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ है? इंदौर में। तो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे अगर हम बात करें तो, डी डी देवलालिकर मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। संबंध कहाँ से है? धार से है। मध्य प्रदेश के चित्रकला का पितपुरुष किसको कहा जाता है? डी डी देवलालिकर को। इनकी प्रमुख शैली रही है डेकोरियम लिस्टिंग। और देवलालिकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ है? तो हमको ये ध्यान रखना है इंदौर में है, जो कि डी डी देवलालिकर के नाम से ये प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सैयद हैदर रजा जी के बारे में। सैयद हैदर रजा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों में से इनका भी प्रमुख नाम आता है। तो सैयद हैदर रजा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वही पुराने साल के प्रश्न पत्र पर आधारित देख सकते हैं कि जो बनने की संभावना है कि सैयद हैदर रजा का संबंध कहाँ से है? नरसिंहपुर से। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है, अधिकतर देखेंगे कि निम्नलिखित में से सैयद हैदर रजा का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकारी, रंगकर्मी, नाटककर्मी, साहित्यकार। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो हमको बताना है कि सैयद हैदर रजा जी का संबंध किससे है? चित्रकारी से। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं थोड़ा और जानकारी देख सकते हैं, हालांकि यहाँ से बनने से क्वेश्चन ज़्यादा संभावना नहीं है, फिर भी समझ सकते हैं कि 1981 में इनको पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। 1992-93, 1992-93 में इनको कालिदास सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है, तो कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, जिसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। इसके अलावा पद्म भूषण 2007 में, पद्म विभूषण 2013 में अगर बात करें। अब यहाँ पे अगर हमको ध्यान रखना है तो ये कि देख सकते हैं कि 1947 में मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की यहाँ पे इनके द्वारा स्थापना की गई, तो हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया था कि यहाँ पर गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे नाम से कलाकारों एक समूह किसके द्वारा बनाया गया? विष्णु दिनकर चिंचालकर जी के बारे में। उसी तरह हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसके द्वारा की गई? सैयद हैदर रजा जी के द्वारा। अब इनके तो बहुत सारी चित्रकारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी जो प्रसिद्धि प्राप्त हैं उनके बारे में देख सकते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो एक प्रमुख चित्रकार है समर, जो कि अभी भी पेरिस कला संग्रहालय में इसको प्रदर्शनी के लिए लगाया जाता है, जो कि पेरिस कला संग्रहालय में रखा गया है। इसके अलावा है विलेस, फ्रांस कला संग्रहालय में रखा हुआ है। रूपांगदू ललित कला संग्रहालय भोपाल में रखा है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो पूछे कि ललित कला संग्रहालय कहाँ है? तो ललित कला संग्रहालय कहाँ है हमको बताना है? भोपाल में। तो ललित कला संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने सैयद हैदर रजा जी के बारे में यहाँ पे जानकारी इकट्ठा किया। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे जी के बारे में। नारायण श्रीधर बेंद्रे का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है। और अगर हम विशिष्ट रूप से थोड़ा सा व्यापम की ओर जाएं तो देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में पत्रकार के रूप में भी इन्होंने काम किया था। कौन? नारायण श्रीधर बेंद्रे। 1969 1969 इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला, 1992 में पद्म विभूषण सम्मान, और 1986-87 में कालिदास सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो खास बात यहाँ से ध्यान रखने वाली है कि नारायण श्रीधर बेंद्रे का संबंध कहाँ से है, तुमको बताना है इंदौर से। बस यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें तो। आगे चलते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग चित्रकार की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों में देवयानी कृष्ण से क्वेश्चन आया है और पूछा गया देवयानी कृष्ण का संबंध किससे है। तो हमको बताना है देवयानी कृष्ण का संबंध किससे है। तो देवयानी कृष्ण जी का संबंध है चित्रकारी से और मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। अब यहाँ से अगर ध्यान देने वाली बात है तो अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं 1946 में। तो इंटरनेशनल लेवल का बर्लिन में एक प्रदर्शनी लगाई गई चित्रकार से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित, देवयानी कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे और उनको चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो यह हम लोग यहाँ पे इनके बारे में भी समझ लिए। आगे नेक्स्ट, डी जी जोशी या देव कृष्ण जयशंकर के नाम से प्रसिद्ध
डीजी जोशी का नाम आता है और जिनका संबंध मध्य प्रदेश के खरगोन से है। खरगोन में हुई महेश्वर से अगर बात करें, और इनकी मृत्यु 2000 में हो गई। तो मृत्यु तो पूछता नहीं, फिर भी एक जानकारी के हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, डीजी जोशी के बारे में रख सकते हैं जानकारी कि जन्म कहाँ से है। तो जन्म हम लोग बताएंगे खरगोन से, महेश्वर में स्थित है वहाँ। इसके अलावा हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ अन्य चित्रकार देखते हैं। कुछ अन्य चित्रकारों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी शंकर राजपूत, इसको मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो लक्ष्मी शंकर राजपूत जी का नाम आता है अगर हम लोग बात करें तो। लक्ष्मी शंकर राजपूत, अब यहाँ से इनके केवल हमको समझ लेना है कि किस क्षेत्र से हैं। अगर हमको स्पेसिफिक जगह पता है, जिला पता है, तो उसको समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश में रहे हैं और समीपवर्ती जिलों में रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें निमाड़ क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, और मुरैना, और आपका चंबल क्षेत्र में, तो वो काफ़ी, और बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो वो हमारे मध्य प्रदेश से लगे हुए जिलों में काम किया और मध्य प्रदेश में आकर के रहे। भले ही उनकी जन्मस्थली कहीं और रही हो, लेकिन कर्मस्थली मध्य प्रदेश रही। उनसे संबंधित हम कुछ अन्य चित्रकारों को यहाँ पे देख रहे हैं। तो जिनमें सबसे पहले तो हम लोग अमृतलाल बेगड़ का नाम सुने ही हैं, और अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र कहते हैं, सबको पता है। तो अमृतलाल बेगड़ जो कि नर्मदा से संबंधित बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की हैं, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से, ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में। तो ध्यान रखना है, पहले तो ये ध्यान रखना हमको कि नर्मदा पुत्र किसको कहा जाता है, अमृतलाल बेगड़ को। संबंध कहाँ से है, जबलपुर से, ठीक है। आगे मदन भटनागर जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मुरार से संबंधित हैं। रमेश पटेरिया जी राजस्थान से निमाड़ क्षेत्र में आकर के ये रहे हैं, तो रमेश पटेरिया का भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख चित्रकारों में नाम आता है। इसके अलावा जगदीश स्वामीनाथन, भारत भवन निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका भी रही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जगदीश स्वामीनाथन के बारे में। जगदीश स्वामीनाथन भी, जिनका संबंध हालांकि जन्म तो मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन जन्म शिमला से है, यहाँ आकर के भोपाल में बहुत दिनों तक यहाँ अपनी कर्मस्थली बनाई थी, तो जगदीश स्वामीनाथन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इसके अलावा मेन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा डॉक्टर मंजूषा गांगुली। डॉक्टर मंजूषा गांगुली चित्रकारी के साथ साथ साहित्यकार भी हैं, तो साहित्य रचना में भी इनका नाम है और साहित्य में योगदान है। राजा राम का नाम आपको ध्यान रखना है, ये भी बसंत अगासे, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, और ये डॉक्टर मंजूषा गांगुली से, किस क्षेत्र से हैं, चित्रकारी से हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य और समझ लेते हैं, जैसे सुरेश चौधरी जी का नाम आता है, एस के जमींदार का नाम आता है, श्रेणी जैन का नाम है, और रॉबिन डेविड हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जी के पंडित जी का नाम, संचिता नामदेव का नाम यहाँ पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार में, एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि विष्णु दिनकर चिंचालकर, जिनका संबंध कहाँ से हम लोग बताना है, देवास से, ये हम लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि इनकी एक विधि है, चाचूस विधि, गुड फ्राइडे नाम से इन्होंने कलाकारों का क्या बनाया, समूह बनाया, ये हम लोग यहाँ विशेष बातें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चलते हैं तो बात करेंगे डी देवलालकर, जिनके बारे में हमने बताया कि दत्तू भैया के नाम से प्रसिद्ध, हाँ, इनसे ध्यान रखने वाली बात है कि धार से संबंधित है। इनकी एक प्रमुख शैली का नाम क्या था, डेकोरियन लिस्टिंग, और ये बात हमको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश चित्रकला का पितृपुरुष भी इनको कहा जाता है। यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि देवलालकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ है, तो देवलालकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ है, इंदौर में, ठीक है। आगे देखें सैयद हैदर राजा जी के बारे में हमने बताया, तो नरसिंहपुर से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसके द्वारा की, ये बातें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विशेष देख सकते हैं सैयद हैदर राजा जी के बारे में। नारायण श्रीधर बेंद्रे, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है, ये हमको ध्यान रखना है, खासकर नारायण श्रीधर बेंद्रे का। देवयानी कृष्ण का भी संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। इसके अलावा डीजी जोशी, देवकृष्ण जोशी नाम है इनका, खरगोन से संबंधित हैं। और लक्ष्मी शंकर राजपूत इंदौर से हैं, यह हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो आज हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार देखा, धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसकी संभवतः
जानकारी मैं देने का प्रयास करूँगा।